हमारे साथ कर्नल समीर द्विवेदी हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे हैं। आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, आपने फैसला किया बीजेपी ज्वाइन करने का, इसके पीछे क्या वजह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गए कड़े फैसले, और आज मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, पढ़े लिखे वर्ग और अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए, ताकि एक नई चेतना नए सिरे से पहले, और जो सरकार अच्छा काम करे उसका समर्थन करना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे ही हमने ये खबर देखी, उसमें लिखा हुआ था कि जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या इस मामले में, इस बारे में पंडित जनार्दन द्विवेदी से आपने कोई सलाह मशविरा किया? क्योंकि वो तो 5 दशक तक कांग्रेस पार्टी की उन्होंने राजनीति की। नहीं, उनसे कोई सलाह मशवरा करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मैं 53 साल का हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मैं तो समझता हूँ ये गैर जरूरी सवाल है, और जो लोग इस तरह से चला रहे हैं, एक उनके पुत्र के अलावा भी मेरी कुछ पहचान है। वो सिर्फ एक चांद संयोग की बात है कि मेरे पिताजी जो है, उन्होंने अपनी मेहनत पे, अपने दम पे जो मुकाम पाए हैं, कोई ज़रूरी है उसका मैं लाभ उठाऊँ? और आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ही क्यों, मुद्दों के ऊपर हुई है, और जो देश के लिए और अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो की जा रही हैं, मैं उन चीज़ों का समर्थन करने के लिए बीजेपी की तरफ गया हूँ। आपको लगता है कि अभी की जो परिस्थिति है, जिस तरीके से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुंबई में कभी किसी जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, भारत के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो लगातार एक ख़ास तौर पर लोगों में सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? मैं देखिए, इस पर मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई कमेंट दूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो तत्व इसमें शामिल हैं, ये वही तत्व हैं जिन्होंने 1962 में चीन का साथ दिया था, 1962 के युद्ध, ये वही तत्व हैं जिनकी वजह से बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ नक्सलवाद और माओवाद फैला। कोई भी सही दिमाग का आदमी इन तत्वों को के साथ तो नहीं खड़ा हो सकता, और यही लोग इस चीज़ के पीछे हैं। आप जाइए शाहीन बाग में, वहाँ अगर लोगों से बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग इनके पीछे हैं। आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र है या साजिश है? बिल्कुल 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 सही आपने कहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह की ऐसी राजनीतिक साजिश है जिससे सरकार अच्छा काम कर रही है, स्थिर काम कर रही है, वो घबरा जाए, वो ठीक से काम ना कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी बैकआउट नहीं करेंगे, और इसमें गलत भी क्या है आप बताइए ना। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये शाहीन बाग की जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक जैसी एक ऐसे कुप्रथा को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई, और उन्होंने किसी विरोध की परवाह नहीं की, ये कैसे विश्वास कर रहे हैं कि वो उनकी नीयत को लेकर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उन्हीं मुस्लिम बहनों या मुस्लिम भाइयों का कोई नुकसान होगा? ये गलतफहमी फैलाई जा रही है, बरगलाई जा रही है। दुर्भाग्य से ये जो एलिमेंट्स हैं, जो कैसे कैसे नारे भी लगते रहे हैं, और आपने देखा है, ये देश के लिए सही नहीं है। धन्यवाद। यानी कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर संदीप द्विवेदी ने फैसला किया है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने का। अमित के साथ अमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।